अरे बेटा पुतलू, घर में जितने भी लाठी डंडे हो सारे छुपा दो, तेरी माँ चंडाल चौकड़ी आती ही होगी। तो पापा आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? और लोगों की बीबी होती हैं, वो घर पे आती हैं, प्यार करती हैं, खाना वाना बनाती हैं, लेकिन एक आपकी बीबी है वो मारते मारते आपका फाड़ देती हैं कुर्ता और बना देती हैं भुर्ता। अरे नालायक मत याद दिलान बातों को, नींद नहीं आती रातों को। मम्मी आते ही हुक्का मांगेंगी, जल्दी से चिलम भर दो। इसीलिए तो लाठी डंडे छुपाने को बोल रहा हूँ, मेरे से चिलम टूट गई है। अरे बुद्धिहीन आदमी, वो चिलम नहीं फूटी है, वो फूटी है तुम्हारी तकदीर, और अब खोपड़े फूटेंगे क्योंकि तुमने फोड़ के चिलम कर दिए जुलम। हे ऊपर वाले, ये कैसा नट हो गया, वो जालिम औरत मुझे मारने के लिए तरसती है, हिला देती है शरीर के सारे अंग जब दिखाती है अपना असली रंग। भूकंप आ गया, धरती हिल रही है, लगता है मम्मी आ गई है। अरे नहीं नालायक, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा कलेजा हिल रहा है अंदर से, जल्दी कोई आइडिया दे बचाने का। एक आइडिया है आपको बचाने का, लेकिन नाटक करना होगा। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मैंने स्कूल में बहुत नाटक किए हैं, बताओ कौन से स्कूल में होना है नाटक, लेकिन पैसे नगद चाहिए हमको, बता दे रहे हैं। बस इसीलिए तुम लोग गाय से मार खाते हो, तुम्हें बचने के लिए भूत आने का झूठा नाटक करना है, कोई रंगमंच पे प्रदर्शन नहीं करना है। उस डायन लुगाई से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो खड़े क्यों हो बुद्धिहीन आदमी, जल्दी से अपना हुलिया उल्टा सीधा कर लो, और ये थोबड़ा आड़ा टेढ़ा करो, और सकल पे 12 बजाओ, समझे? क्या चल रहा है, और मेरा हुक्का क्यों नहीं भरा अभी तक? मम्मी हुक्का कहाँ से भरे, चिलम चटक गई है इनके शुभ हाथों से। क्या तुमने चिलम चटका दी, अब तुम्हारी हड्डी चटकेगी पुतलू, इस घर में आज कोई डंडा नजर नहीं आ रहा है। अब मार ससुरी, किससे मारेगी? निर्लज आदमी, एक लपाड़ा मारूंगी तेरा फेफड़ा बाहर कर दूंगी, और तेरे गलफड़े उसको तो अलग से फाड़ूंगी। मम्मी इसमें इनकी गलती नहीं है, इन पर किसी का साया है। साया है या इस आदमी ने कुछ पड़ा हुआ खाया है? पता नहीं मम्मी। तो फिर ये कहाँ से आया है? माँ भूत प्रेत का कोई भरोसा नहीं है, मौका पाकर कहीं से भी घुस जाते हैं। फिर भी इस आदमी को सजा तो मिलनी है, डंडा किधर गया? मालूम नहीं मम्मी, अभी तो इधर ही था। अब मार ससुरी, मैंने बेलन चिमटा भी गायब कर दिए है। इसका भूत तो मैं उतारती हूँ। अब ये क्या करेगी, कोई नया हथियार मिल गया क्या? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। ओ नो। अबे ये क्या, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था, मार पीट के मामले